UVMS सृजन यूट्यूब चैनल मु पुणी थरे आपण मानको स्वागत जनाउछि। आमे पूर्ववर्ती वीडियो रे लब ओ हर गुड़िक समान थिले भग्नांश मध्य मानक रे तुलना करूथिले। आज आमे देखिबा हर ओ लब गुड़िक समान न थिले भग्नांश मध्य किपरि तुलना करिबा बा सान बड़ निर्णय करिबा। तो पिला माने जदि हर किंबा लब समान नथिबो ताले आमे केमिति सान बड़ चिन्हट कोजि ता मु आज तुमको देखाउ छी। मन कर मु तुम पई गुटे उदाहरण नउ छी 2/5 एवं 3/4 2/5 ओ 3/4 ए जो जो दुईटी भग्नांश नहीं ए दुई भग्नांश मध्ये हर समान नहीं किंबा लव मध्य समान नहीं तेबे आमे यदि हर समान थाए ताहले आमे सहज रे जानि थाउ जे जो भग्नांशर लब बड़ थाए से भग्नांशटी बड़ होइथाय किंबा जदि लब समान थाए जे भग्नांशरे हर सान होइथाय से भग्नांश बड़ होइथाय एटा आमे जानिछे। किंतु एठारे हर समान नाही कि लब समान नाही तबे आमे एठारे आमे केमिति करिबा। तो पिला माने मन रख जदि हर किंबा लब समान नथिबो ते कौन करिबा ना प्रथमे आमे समहर किंबा समलब करिबा को पड़िबो। तो समहर केमिति करै जानिछो तो जदि मु समहर करिबे कौन करिबे समहर करिबे ताहले समहर कले कौन करिबा जे हर मानकु समान करिबा। तो हर मानकु समान करिबा अर्थ कौन केमिति समान करिबा तरे हर मानकु जदि समान करिबा को हेबो तेबे हर मानकर लसा को नबा कौन करिबा हर मान। तो एठारे हर अछि 5 आउ 4 अछि 5 आउ 4 र लसा को नबा कौन नबा लसा को। तो एटा को थ्री जीव ना कोनसी थ्री जीव नाही जे कोनसी संख्या रे न जाए ते तर लसा को कोन होए उभय संख्या र गुणफल होइते 5 गुण 4 समान 20। एठारे हर मानक लसा को किते हला 20 तेबे एठारे हर को जदि आमे 20 तयार कर केमिति 20 करबा ना 5 एवं 4 उभय रो गुणितक हेउची 20 उभय रो गुणितक 20 तेल कि आमे दुई व्यक्तक 5 को पर 2/5 को 20 हर विशिष्ट भग्नांश रे परिणत करबा। तो 20 हर विशिष्ट भग्नांश रे परिणत कले कोन करबा ना उभय संख्या रे किछि ना किछि आमे गुण करबा को पड़िबो किछि ना किछि कहले कोन केते गुण करबा ना आमे एम्पिरिक संख्या गुण करबा जहा कि हर 20 हेउतबो। तबे ए हर रे आमे केते गुण करिले 20 हेबो एटरे 5 अछि 5 रो केते गुण रे 20 हेबो 5 रे 4 गुणिले 20 हेबो अर्थात उभय संख्या रे आमे कोन करबा 4 लेखाए गुणिबा। तबे 4 लेखाए जदि गुणिले एटा केते होची 5 चौक को 20 एवं 2 चौक को 8 बुझी पाइलो। तो केमिति हेकली ना प्रथमे कोन कली हर मानंकर लसागु नेली जति कि लसागु हेची आमे सही संख्या रे केते गुणिले सेति के हेबो ताहा आमे जानिबा। तो जानि सल्ला परे कोन करिबा सेति कि गुणि देबा एवं जो संख्याटी बाहरिबो से संख्याटी को लेखि देबा। वर्तमान द्वितीय भग्नांशटी केते अछि 3/4 अछि। तो ए 3/4 रे कोन करिबा 4 आउ 3 उभय रे समान एक संख्या गुणिबा जहा कि हरटा 20 होबो तले केते गुणिले 20 होबो ना 4 रे 5 गुणिले 20 होबो अर्थात ऊपर मध्य 5 गुणिबा
तेरे एटे के पांच कोड़े पाँच तीन पंदर बर्तमान तार जो गुणफल गुड़िक पाइला से गुणफल गुड़िकर हर गुड़ी को देख एटे हर के कोड़े एटे हर के कोड़े बर्तमान आम हर गुड़िक सामान हो जाए हर गुड़िक सामान है तुम्हें जाच जो संख्यार लब बड़ थाए से संख्याटी बड़ अर्थात यही जो दुई संख्या पाइछ यही दुई संख्या मध्य क्यों संख्यार लब बड़ अच्छी द्वितीय संख्यार लबटी बड़ अच्छी तेणुक आम कौन कर आठ बाय आठ बाय कोड़े आठ बाय ट्वेंटी एवं फिफ्टीन बाय ट्वेंटी उभय संख्या मध्य कौटा बड़ ना फिफ्टीन बाय ट्वेंटी मैं पंद्रह बाय कोड़े टी बड़ अर्थात आम कौन लिखिपर एट बाय ट्वेंटी एवं फिफ्टीन बाय ट्वेंटी मध्य कौटा बड़ फिफ्टीन बाय ट्वेंटी बड़ लिखिपर अर्थात अर्थात यो एट बाय ट्वेंटीटा एट बाय ट्वेंटीटा किए एट बाय ट्वेंटीटा हूँ टू बाय फाइव एवं फिफ्टीन बाय ट्वेंटीटा किए फिफ्टीन बाय ट्वेंटीटा हूँ थ्री बाय फोर थ्री बाय फोर अर्थात ये दुई संख्या मध्य कौटा बड़ जेहेतु फिफ्टीन बाय ट्वेंटी बड़ थ्री बाय फिफ्टीन बाय ट्वेंटी समभांश हूँ थ्री बाय फोर तेनाली थ्री बाय फोर ये बड़ लिखिपर बुझिपार तो एमती भाव कर तुम आउ गोटे उदाहरण हूँ मनकर वन बाय टू ओ फाइव बाय फाइव बाय एट यही दि संख्या मध्य कौटा बड़ आम चिन्ह करवा तो प्रथम कौन करुले समहर करुले तो समहर करने पूर्व आम कौन करवा समहर करने पूर्व प्रथम हर मानक लसा गु ने हर गुड़ी की किए अच्छा टू ओ एट अच्छी तेरे यही दुई संख्या मध्य लसा के ना उभय संख्या दुई रही जाऊँ दुई एक दुई दुई चाऊ आठ आउ तो जीव ना तो ये लसाऊ के लसाऊ हो गला तुम टू इंटु वन इंटु फोर इक्वल टू चार चार दुणे आठ लसाऊ पाइल बर्तमान यही दुई संख्या को समहर करवा तो समहर कले कौन करवा प्रथम भग्नांश को लिखिदबा तापर कौन करवा तो प्रथम भग्नांश के गुणिले हरटी लसाऊ सहित सामान हे तो जेहेतु लसाऊ आठ अच्छी यार हर रेत अच्छी दुई तो दुई रे के गुणिले आठ हे दुई रे चार गुणिले आठ दुई चाऊ आठ तो ऊपर मध्य चार गुणवा एवं चार एक चार चार दुण को आठ बर्तमान पाइले तार समभग्नांशटी बर्तमान कौन करवा द्वितीय भग्नांशटी लिखा फाइव बाय एट को तापर कौन करवा प्रथम भग्नांश जमी गुण करें द्वितीय भग्नांशर गुण करवा तो पाने ये देखिपर थी हर के आठ लसाऊ के अच्छी आठ आठ रे के गुणिले आठ आठ रे एक गुणिले आठ एक गुणवा ये लबरे एक गुणवा बर्तमान पाइव संख्याटी आठ के आठ पांच एक पांच बर्तमान तुम दुईट संख्या पाइल एवं जो दुईट संख्या पाइल उभय संख्या रे हर सामान अच्छी ना तो यही संख्या हर सामान थी आम तुलना कर असुविधा होगा तो बर्तमान कौन करवा ये दुई संख्या मध्य कौटा बड़ चिन्ह करवा तो कहला पे ये दुई संख्या मध्य बड़ किए जार लब बड़ से बड़ हम कहीं हर सामान अच्छी तो उभय संख्या मध्य पाँच टी बड़ अच्छी चारिठार तेनाली पाँच बाय आठटा पाँच बाय आठ बड़ हे चार बाय आठ ठारू तो कौन लिखिपर फोर बाय एट एवं फाइव बाय एट उभय संख्या मध्य बड़ है फाइव बाय एट अर्थात फोर बाय एट को लिखिपर वन बाय टू एवं फाइव बाय एट को लिखिपर फाइव बाय एट एवं उभय संख्या मध्य बड़ हे फाइव बाय एट
बुझी तो एमती भाव तुम सान बड़ चिन्ह जदि हर किंबा लव सामान न थाए तो मुमें आउ गोटे उदाहरण हो मन कर 5/6 अच्छी और 3/4 अच्छी तो ये जो दुईटी भगनांश मध्य हर सामान अच्छी ना हर सामान ना लव सामान अच्छी लव मध्य सामान ना तेबे एटे कौन करी प्रथम हर मानक लसा को नेबी तेले हर है 6 और 4 ए उभय संख्या लसा को नेबा तेले केते जीव 2 रे 2 3 को 6 2 2 को 4 आउ जीव ना आउ जीव ना तो एठारे आम लसा को लिखिपर लसा को 2 × 3 × 2 इक्वल टू 2 × 3 = 6 × 12 लसा को कितने हो गला 12 तो वर्तमान 5/6 और 3/4 मध्य समहर करवा कौन करवा समहर तो 5/6 को लिखला परे गुण करवा तो आम के गुण कले उभय संख्यार हर सामान हो लसाऊ आम के 12 एटे हर अच्छी के 6 6 गुणिले 12 हम 2 अर्थात ऊपर 2 गुणवा तो 5 × 10 6 × 12 बुझला तो एमती गुणवा तापर कौन करवा द्वितीय भगनांशटी को लिखा लिखि सारापर कौन करवा ना प्रथम भगनांश जमी गुण कले द्वितीय भगनांश मध्य सेमती गुण करवा तेरे एटारे के हर अच्छी एटार अच्छी हर 4 तो केते गुणिले लसाऊ सहित सामान हम 12 हम 4 × 3 गुणिले 12 ऊपर मध्य गुणवा 3 तो पिलाने सब ध्यान देव हर में जिते गुणुच लबरे से गुणव जदि हर एवं लबरे गुणिला बेले जदि अलग अलग संख्या गुणि दि तेब तुम उत्तर टी भूल हो तो तेणुक से ध्यान देव जितेबले भी हर में जिते गुणुच लबरे से गुणव आ के गुणुच केमी जानव ना लसाघु सहित सामान होगा कथा जहाँ गुणवा ता लसाघु सहित सामान होगा कथा तेब एटे के 4 × 3 = 12 है 3 × 3 = 9 है बर्तमान आम समहर भगनांश दुईटी पाईला तेरे ये जो समहर भगनांश दुईटी पाइला ये दुई भगनांश मध्य क्यों भगनांशर लाभ बड़ अच्छी प्रथम ना द्वितीय तो यठार आम देखा पाचु ये प्रथम भगनांशटी लबटी बड़ अच्छी अर्थात प्रथम भगनांशटी द्वितीय भगनांशार बड़ हे तेणुक आम लिखिपर 10/12 एवं 9/12 मध्य बड़ हे 10/12 अर्थात अर्थात कौन जान ला तुम 10/12 जारी लिखिपर 5/6 एवं 9/12 जारी लिखिपर 3/4 अर्थात ये दुई संख्या मध्य क्योंटा बड़ हम 5/60 बड़ हे बुझे तो एमती भाव तुम्हें सान बड़ चिन्ह बर्तमान आ गोटे उदाहरण हो उदाहरण देखिए भल कर बुझीपर मन कर 3/4 आउ 2/3 देखिप हर जो अच्छी प्रथम संख्यार हर 4 द्वितीय संख्यार हर 3 हर सामान अच्छे ना ही। तो प्रथम संख्यार लब अच्छे 3 द्वितीय संख्यार लब अच्छे 2 लब मध्य सामान ना ही। तो एटे आम कौन करवा उभय संख्यार हर मान को नहीं लसागु नवा तो 4 आउ 3 लसागु नवा 4 आउ 3 लसागु ने कौन हम ये 4 आउ 3 लसागु कौन सी तहार साधारण गुण गुणनीयक ना कौन करवा यार लसागु उभय संख्या को गुणिकी बाहर करवा तो 4 × 3 करवा 4 × 3 = 12 तो यार लसागु है 12
तो प्रथम कौन करवा प्रथम संख्या को लिखा प्रथम भग्नांश टी लिखा एवं प्रथम भग्नांश लिखि सारापर कौन करवा उभय संख्य एक संख्या गुणवा जहाँकि हर रे क्यों संख्या गुणिले लसाउ सहित सामान हो तो यह हर अच्छी चारि चारि तीन गुणिले बार हम तो ऊपर मध्य तीन गुणवा एवं गुणि सारापर कौन भग्नांश टी लिखिदेव तीन तीन को नौ चार तीन को बार ठीक से द्वितीय भग्नांश टी लिखा द्वितीय भग्नांश केते गुणिले हर सहित लसाउ सहित सामान हो हरटा ता देखा तो तीन अच्छी तीन के गुणिले बार हम चारि अतएव ऊपर मध्य चारि गुणवा संख्याटी हे चार दुण आठ चार तीन बार बर्तमान आम समहर विशिष्ट भग्नांश पाईगला तो समहर विशिष्ट भग्नांश पाई सारापुर कौन करवा ये दुई संख्या मध्य सान बड़ देखा तो कौ संख्यार लब बड़ अच्छी ना उपरे संख्या प्रथम या संख्यार लब बड़ अच्छी तेणुक आम कौन करवा नाइन बाय ट्वेल्व एवं एट बाय ट्वेल्व मध्य बड़ हे प्रथम टी एवं द्वितीय टी हम सान अर्थात आम कौन लिखिपर नाइन बाय ट्वेल्व जगह लिखिपर थ्री बाय फोर एवं एट बाय ट्वेल्व जगह लिखिपर टू बाय थ्री उभय संख्या मध्य बड़ हे थ्री बाय फोर तो यहपर भाव तुम्हें जदि हर लब सामान न थाए तार सान बड़ चिन्हट कर आशा करुच्ची तुमको ए भिडी भल लगे भगवान मध्य सान बड़ किपर चिन्ह रोचा भल भाव बुझिपार आम परवर्त भिड़े पढ़ा भग्नांश मानकर जोग तो भग्नांश मानक आम किपर जोग करवा आम परवर्त भिड़े पढ़ा धन्यवाद।